हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। रिसेंटली जो दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, इन्होंने स्ट्रे कैटल्स कौन से होते हैं जो हमको रोड पे आवारा घूमते हुए पशु दिखाई देते हैं ना, उनको हम बोलते हैं स्ट्रे कैटल्स। स्ट्रे कैटल का समस्या इतना बढ़ गया है, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो यू कैन सी कि आपको बहुत सारे आवारा पशु रोड पे घूमते हुए दिखाई देते हैं, एंड सुबह सुबह आपको बहुत सारे रोड के साइड में एक्सीडेंट हुए भी दिखाई देते हैं, विच इज़ वेरी टेरिबल टू सी। बट ये बोल रहे हैं कि जो स्ट्रे कैटल का प्रॉब्लम है, सिर्फ दिल्ली में नहीं है, ओवरऑल इंडिया के अंदर आवारा पशु का जो नंबर है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। इंडिया में 5 मिलियन, मोर देन 5 मिलियन स्ट्रे कैटल्स हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी सीरियस इशू। इंडिया के अंदर लाइव स्टॉक का जो पॉपुलेशन है, टोटल वर्ल्ड के लाइव स्टॉक का, वो लगभग 17% है। लेकिन अगर आप देखोगे ना इस लाइव स्टॉक से प्रोडक्शन, तो वो इंडिया में हमारा बहुत कम है, वर्ल्ड रैंकिंग में हमारी काफ़ी नीचे रैंक आती है इसमें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डेयरी प्रोडक्शन के अलावा भी है। डेयरी प्रोडक्शन के अंदर भी अगर आप बात करोगे, लुकिंग एट द परसेंटेज वी हैव एंड द प्रोडक्शन वी हैव, उसके अंदर एक ह्यूज गैप है। तो ये एक डाउन टू अर्थ में बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया था। इट सेड कि हमको ना गौशाला से ऊपर देखने की ज़रूरत है। गौशाला के अंदर आप ले जाओ, लेकिन वो गौशाला इज नॉट दी एग्जैक्ट रीज़न। गौशाला क्या कर रहा है, स्ट्रे कैटल को सहारा दे रहा है, उनको एक होम दे रहा है। प्रॉब्लम ये कि स्ट्रे कैटल की समस्या आ क्यों रही है, हमको इसको जड़ से मिटाना है कि स्ट्रे कैटल की समस्या आई ना, हमको हमेशा प्रोडक्टिव रखें। तो इस बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये एक्चुअली, मतलब जस्ट टॉक्स अबाउट सो मेनी थिंग्स, स्पेशली अबाउट द इंडिजीनियस क्वालिटी ऑफ द कैटल के बारे में बात कर रहा है। तो दिस इज एक्चुअली, जस्ट स्टे हियर फॉर 10-12 मिनट्स, आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगेगा। स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम संतोष है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो का PDF भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। कमिंग टू द न्यूज़, रिसेंटली न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने, दिल्ली के अंदर 4 है जिनमें से एक न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से है, इन्होंने अनाउंस करा है कि कैटल के जो पर्टिकुलरली प्रोबेबली जो ईयर्स होते हैं, वहाँ पे एक चिप इम्प्लांट करा जाएगा। उस चिप के अंदर उस कैटल का ऑनर कौन है, उस ऑनर की इन्फॉर्मेशन होगी कि उसका नाम क्या है, घर का एड्रेस क्या है, उसका नंबर क्या है, उसका आधार नंबर क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर इंस्टिल करी जाएगी कि ये जो कैटल आपको दिख रही है, इस कैटल का ऑनर ये पर्टिकुलर पर्सन है। नाउ अथॉरिटीज़ ने ये इसलिए करा है ताकि कल को जो कैटल ओनर्स हैं, ये इसको अबेंडन कर दें, इनको छोड़ दे आवारा को, तो उनको ट्रैक करके, इनके ओनर को ट्रैक करके उन पर 25,000 रुपये एवरी टाइम देयर कैटल इज़ फाउंड अबेंडन, उन पर हर बार आपने छोड़ा 25,000 का फाइन लगाया, अगली बार फिर से दिखा, फिर से 25,000 का फाइन लगेगा। तो ये फाइन लगाया जाएगा, और ये रीज़न इसलिए है क्योंकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने जनवरी 2020 के अंदर 20th लाइव स्टॉक सेंसस रिलीज करा, जिसके अंदर ये न्यूज़ आई है कि लगभग 5 मिलियन स्ट्रे कैटल्स हैं, विच इज़ ए ह्यूज नंबर, और दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा। दिल्ली के अंदर आप देखोगे ना तो पॉपुलेशन डेंसिटी इतना है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा एंडेंजर्ड हो जाती है। तो दिस इज जस्ट वन वेरी स्मॉल स्टेप, पर प्रॉब्लम हमको वो जड़ तक जाना है कि समस्या क्या है, स्ट्रे कैटल हो क्यों रही है। तो बहुत सारे रीजंस हैं कि स्ट्रे कैटल क्यों हो रही है। देखो, पहली तो अगर आप खुद से भी सोचोगे ना कि अगर कोई भी फार्मर अपने पशु को आवारा छोड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो उसमें प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कि मतलब वो दूध नहीं दे रहा है अच्छे से, उसका यूज़ नहीं हो रहा है। सेकंड है कि वो उसको खिलाने के लिए फूड एंड फॉडर नहीं ला पा रहा है, ठीक है। फिर ये हो सकता है कि उसको खिलाने के लिए वाटर नहीं है। तीसरा ये हो सकता है कि वो बीमार हो गया हो, उसमें किसी तरह की डिजीज़ हो, या हो सकता है कि वो फार्मर खुद कहीं पे माइग्रेट कर रहा हो, तो वो उस पशु को अपने साथ ना ले जाना चाह रहा हो, तो उसने उस पशु को क्या हुआ कि आवारा खुला छोड़ दिया है। तो या फिर हो सकता है कि उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा हो, कि उसको इतने वैक्सीन्स लगने हैं, उसको इतना महंगा इसका फूड एंड फॉडर आता है, विच इज़ नॉट अफोर्डेबल टू एवरी फार्मर, तो इसलिए उसको क्या खुला छोड़ दिया होगा। तो ये सारे रीजंस तो हैं। इसके अंदर एक मेन रीज़न ये भी है कि जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन है, इंडिजीनियस ब्रीड है, उसको नेग्लेक्ट करा गया है, उसकी जगह एक्सटेंसिव फोकस दिया गया था क्रॉस ब्रीडिंग पे, और जो एग्जॉटिक ब्रीड्स होती है, पिछले कुछ डिकेड के अंदर ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि इंडिजीनियस पॉपुलेशन को कम करके, उनको कम्प्लीटली निग्लेक्ट करके हमने या तो क्रॉस ब्रीडिंग पॉपुलेशन या फिर एग्जॉटिक पॉपुलेशन को लेके आए थे। और रीज़न क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्शन देगी। नाउ ये हालांकि हुआ नहीं है, मैं आपको रीज़न बताऊंगी अभी कि क्यों हम इसमें फेल हो गए हैं। इसके साथ ही जो
मैकेनाइजेशन इम्प्रूव हो गया है। इसका मतलब है कि पहले क्या एनिमल्स जो लाइफ स्टॉक एनिमल्स थे वो ऐसे ड्राफ्ट एनिमल यूज करे जाते थे कि किसी सामान को लेना है ढोना है मतलब यू नो दे वर यूज्ड एज एन ट्रांसपोर्टर ऑल्सो। अभी वो भी बिल्कुल बंद हो गया है एंड नेशनल बैन लग गया है काउ स्लॉटरिंग पे। तो इसकी वजह से भी अगर कोई बीमार है अगर उनका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो दे आर नॉट इन यूज, तो उनको क्या करा जाता है कि ऐसे ही आवारा पशु की तरह छोड़ दिया जाता है। तो ये कुछ बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है जो इसमें एडिशन डाल रही हैं। अच्छा, इसमें जनरली स्ट्रे कैटल में आपको कौन से दिखेंगे? आपको जैसे काउ हो गया, बुल हो गया, या जो छोटे बछड़े वगैरह होते हैं काउस वगैरह, वो आपको दिखाई देते हैं। जो अनप्रोडक्टिव होते हैं उनको छोड़ देते हैं कि उनमें से अभी दूध नहीं मिल रहा हमको, उनको छोड़ दो। ये जनरली या बहुत कम मिल रहा है, तो ये जनरली लो यील्डिंग काउस होती हैं और जो जनरली सिटी ड्वेलर्स होते हैं उनको रखते हैं, उसके बाद में थोड़े टाइम के बाद छोड़ देते हैं। स्पेशली या तो वो सुबह बांधते हैं, शाम को दो दिन भर में छोड़ देते हैं, शाम को फिर से ले जाके अब उनको बांध देते हैं। तो इस तरह का काउ स्ट्रे का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, एंड स्पेशली क्योंकि ट्रैफिक न्यूसेंस सिटीज़ के अंदर बहुत है तो एक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है सिंपली। और ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा कि स्ट्रे कैटल्स जो है उनको आप सीधा गौशाला में डाल दो, काउ शेल्टर्स जिसको हम बोलते हैं। हालांकि जो हमारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन था बहुत उसमें नंबर ऑफ इंक्रीज सेंटर ने काफ़ी गौशालाज के नंबर भी इंक्रीज करे, सपोर्ट भी करे, लेकिन उतनी सक्सेस मिली नहीं है राष्ट्रीय गोकुल मिशन को जितनी एक्चुअली एक्सपेक्टेड हो रही थी। इससे 7 out of 10 स्टेट के अंदर मोस्ट नंबर ऑफ द स्ट्रे कैटल हैं वो रिकॉर्ड करे गए हैं। नंबर ऑफ जो नंबर है इनके वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो गए 2012 से 2019 के बीच में। तो सेंटर ने अभी फाइनली सोचा है कि यार ये समस्या ना जड़ से मिटानी पड़ेगी। तो इस जड़ को मिटाने से पहले आपको सबसे पहले कैटल को समझना होगा कि उसका ब्रीड क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है, कि नेग्लिजेंस क्यों हो रहा है। तो इसके अंदर देखो ये विदाउट अ होम की एक सिंपल सी बात है, आपको दिखेगा इसके अंदर कि मध्य प्रदेश के अंदर 95.01%, वेस्ट बंगाल के अंदर कम है, अच्छा छत्तीसगढ़ के अंदर आप देखो इतना परसेंटेज। तो दिस इज जस्ट वन गिवन परसेंटेज कि कितना ज़्यादा इसमें इंक्रीमेंट हो गया है कि पिछले 2012 से ही 2019 के बीच में ये 17.34%, ये 95.01%, ये 33.93%, इतना परसेंट इनका पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो गया है। दैट इज़ द नंबर विच इज शोइंग। ये नेगेटिव में जो आपको दिख रहा है इसका मतलब है कि स्ट्रे पॉपुलेशन इनका कम हो गया है, ठीक है, दैट माइनस इज शोइंग दैट। तो इंडिया के अंदर जो कैटल पॉपुलेशन है वो जनरली 4 तरीके से क्लासिफाई करा जाता है, डिफाइंड ब्रीड, यूनिफॉर्म ब्रीड, क्रॉस ब्रीड और नॉन डिस्क्रिप्टिव कैटल। वन बाय वन इनको देखेंगे ना तो कैटल का क्या निग्लिजेंस है, क्यों इनको स्ट्रे कैटल बनाया जा रहा है, वो आपको समस्या समझ आने लग जाएगी। इसमें लगभग 50 हमारी इंडिजीनियस कैटल्स आती है, जैसे कि गिर हो गई, साहिवाल हो गई, रेड सिंधी हो गई, थारपारकर हो गई, राठी हो गई, ये सारी हमारी इंडिजीनियस ब्रीड है। और टोटल जितना भी हमारा पॉपुलेशन है लाइफ स्टॉक का उसमें से 20% पॉपुलेशन हमारी इंडिजीनियस ब्रीडिंग की है। नाउ इंडिजीनियस में सबसे अच्छी बात क्या है कि ये लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंगली रीजन स्पेसिफिक होती हैं। जैसे साहिवाल, गिर, ये आपको नदर्न इंडिया में मिलेगी, और जो नदर्न या वेस्टर्न स्टेट के अंदर मिलती है उनमें हाई मिल्क यील्ड होता है, बहुत अच्छा उनका जो दूध होता है उसमें A2 प्रोटीन भी होता है, सो दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन ऑल्सो। और ये लोकल क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली अडॉप्ट होती है। तो इनमें जो नीड लाइक फूड शॉर्टेज या क्लाइमेटिक वेरिएशंस होते हैं ना कि बहुत गर्मी पड़ रही है या जो फूड है वो डिफरेंट टाइप का मिल रहा है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली ये अडॉप्टेड होती है। वेयर इज जो ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर मिलती हैं वो जनरली मिल्क प्रोडक्शन और ड्राफ्ट दोनों के लिए काम आती है। सदर्न स्टेट में जनरली ड्राफ्ट के लिए, ड्राफ्ट मतलब सामान ढोने के लिए, खींचने के लिए काम आती है। तो ये जो कैटल हैं, ये जो डिफाइंड ब्रीड है, ये काफ़ी हाई वैल्यूड होती है लेकिन लो मेंटेनेंस होती है। और ये एक ऐसी वैरायटी है जिनको कभी अबैंडन नहीं करा जाता है क्योंकि ये आपको हर दिन का कम से कम 3-4 लीटर दूध तो देगी ही देगी। सेकेंड टाइप की आती है यूनिफॉर्म कैटेगरी। यूनिफॉर्म कैटेगरी के अंदर वो कैटल वेराइटीज़ होती हैं विच आर येट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ब्रीड, अभी तक उनको ब्रीड में रिकॉग्नाइज करा नहीं है लेकिन वो फार्मर्स के द्वारा बहुत वाइडली यूज्ड होती हैं। नाउ ये भी ऐसा कैटेगरी है जो लोकल कंडीशंस के अकॉर्डिंगली खुद को अडॉप्ट कर लेता है, लेकिन क्योंकि इनको प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, इनमें से कुछ तो क्रॉस ब्रीड भी हैं तो इनमें काफ़ी पुअर वैरायटी हैं। और इनमें से कुछ ही ऐसी वैरायटी हैं, ओनली दीज वैरायटीज़, जिनमें मतलब जो बहुत ही स्मॉल सेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म ग्रुप का बनाती है जिनको अबैंडन करा जाता है, और वो भी मतलब टोटली अवॉइड हो जाती है कि उनको कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा है, किसी ब्रीड के अंदर उनको कैटेगराइज नहीं करा जा रहा है। तो जैसे यूनिफॉर्म वैरायटी में कुछ एग्जांपल हो गए,
गए, आलमबड़ी हो गया, सांचोरी हो गया जिसके बहुत बड़े सींग होते हैं, सांचोरी के सींग बहुत बड़े होते हैं, एंड देन जलीकेट हो गया, केसरगोड हो गया, कृष्णागिरी हो गया, मानापरी हो गया, शाहबड़ी, तारई, अजोबा वांग। अच्छा, ये नाम है ना कैटल ब्रीड के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि प्रीलिम्स के अंदर सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि नाम से आप क्या समझते हो। तो आपको ये सभी बोल सकते हैं कि किसी फ्लावर स्पीशी का नाम है, किसी पेड़ का स्पीशी का नाम है, तो या फिर किसी उसका उसका हमारे क्या बोलते हैं हम कल्टीवेशन क्रॉप का कोई स्पीशी का नाम होगा। तो ये ध्यान रखना है हमको कि ये क्या है, ये कैटल की कैटेगरी है, यूनिफॉर्म तो उसके अंदर आती है, और ये लगभग टोटल कैटल पॉपुलेशन का 10% बनाती है। थर्ड इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है क्रॉस ब्रीड कैटल। क्रॉस ब्रीड कैटल लगभग 21% हमारे टोटल कैटल का पॉपुलेशन बनाती है, और सरकार ने डेयरी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए काफ़ी पहले अभी भी कुछ कुछ चल रहे हैं उनमें, इन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग करवाई थी। क्रॉस ब्रीडिंग थी इंडियन वेराइटीज़ और जो एग्जॉटिक वंस है इंडियन में, जैसे कि साहिवाल, रेड सिंधी, थारपाकर जो हैं, इसके अंदर इंडियन वेराइटी में ये दोनों आ गई हैं। देखो, डिफाइंड और यूनिफॉर्म दोनों को एग्जॉटिक वंस जो है, जैसे जर्सी हो गया, होल्स्टीन फेराइटसीन हो गया, इनके साथ क्रॉस ब्रीडिंग करवाया था। तो क्रॉस ब्रीडिंग से क्या इनको फ़ायदा हुआ था कि मिल्क यील्ड काफ़ी बढ़ गया था, डेयरी प्रोडक्शन जाहिर सी बातें बढ़ गई थी, लेकिन ये जो है सबसिक्वेंट जनरेशन के अंदर सस्टेन नहीं कर पाई। जो क्रॉस ब्रीडिंग का डायरेक्ट प्रोडक्ट था या उसके साथ बाद एक जनरेशन थी वहाँ तक ये सस्टेनेबल था, लेकिन उसके बाद में ये सस्टेन नहीं रह पाया। और दूसरी बात है कि इसके अंदर क्या एग्जॉटिक ब्रीड के भी जीन्स आ रहे हैं, तो ये लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंगली अडॉप्ट नहीं कर पाई। तो इनको मेंटेन करना कि इनको ठंडी जगह पर रखना पड़ता है, इनको बहुत पर्टिकुलरली फूड देना पड़ता है, इनको वैक्सीनेशन बहुत फ्रीक्वेंटली लगाना पड़ता है, तो ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए काफ़ी महंगी पड़ रही थी। तो इसलिए इनको ज़्यादा रख नहीं सकते आप। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के पास तो वैसे भी प्रॉफिट नहीं होता है, उनके लिए रहता है इजी बिजी, जैसे इंडिजीनियस ब्रीड है, आराम से चल रही है, खा रही है, पी रही है, दूध भी दे रही है। ऐसी एक्सपेंसिव ब्रीड रखना हर किसी की बस की बात नहीं होती। ये जनरली जिनका पूरा काम डेयरी प्रोडक्शन का होता है वो ऐसी ब्रीड्स को रखते हैं, और वो हाईली मेंटेन उनके पूरे सिस्टम सेट होता है, और इनका जो लाइफ स्पेन है, इनकी जो लाइफ है वो भी काफ़ी कम होती है इंडिजीनियस ब्रीड से। तो एक तो ये क्रॉस ब्रीड कैटल के अंदर है। अच्छा, फोर्थ कैटेगरी है हमारी नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड। नॉन डिस्क्रिप्ट भी जो पीछे पूरी 49% कैटल में बची है वो पूरी इसके अंदर आती है, और ये जनरली वो कैटल ब्रीड है जो बहुत लो प्रोडक्टिविटी देती है, और इसको इसलिए इनको इतना इजीली आइडेंटिफाई नहीं करा जाता। वो मैक्सिमम, क्योंकि इनमें लो प्रोडक्टिविटी है इसलिए मैक्सिमम जो स्ट्रे कैटल का जो हमको पॉपुलेशन दिखाई देता है वो नॉन डिस्क्रिप्टिव ब्रीड से आती है, और ये दे आर नॉट वेरी कमर्शियली वायबल ऑल्सो। तो अगर प्रॉपर रिसर्च भी इन पर कैरी करा जाए टू डिटरमाइन इट्स पोटेंशियल, तो इनको लगता है कि ये पूरा कमर्शियली इतने वायबल नहीं है, तो इन पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि लगभग 70% तक की जो कैटल पॉपुलेशन है जो क्रॉस ब्रीड या फिर नॉन डिस्क्रिप्टिव कंबाइंड के अंदर आती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रे कैटल बनती है। एग्जॉटिक वाली जो हो गई हमारी वो तो बहुत ही कम बनती है, क्योंकि उनको मेंटेन करना भी मुश्किल होता है। अच्छा, इंडिजीनियस एक ऐसी ब्रीड है जो स्ट्रे कैटल बहुत बहुत कम दिखेगी आपको, क्योंकि वो ऑलमोस्ट उसके पूरे लाइफ स्पेन में यूजफुल रहती है। सो सबसे पहला स्टेप तो ये है, देखो 70% स्ट्रे पॉपुलेशन कहाँ से आ रहा है, क्रॉस ब्रीड या नॉन डिस्क्रिप्टेड से। मतलब है सबसे पहले तो ये क्रॉस ब्रीडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट चलाया गया था ये इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो वी हैव टू स्टॉप द क्रॉस ब्रीडिंग द इंडिजीनियस इन द एक्जॉटिक वेराइटी, क्योंकि वो इंडिया के क्लाइमेट और लोकल कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमको इतना प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है। दूसरा है कि हम इसने जो क्रॉस ब्रीडिंग हमने करवाई है उसको हम रिवर्स करें। इसमें क्या होगा कि जो फोस्टर मदर्स हैं वो प्योरली इंडिजीनियस काउस के थ्रू प्रोड्यूस करे जाएंगे, चाहे वो एम्ब्रो ट्रांसफॉर्म टेक्नोलॉजी के थ्रू करा जाए। तो ऐसे के अंदर वन सोल्यूशन हो गया कि स्टॉप ब्रीडिंग, ये स्टॉप क्रॉस ब्रीडिंग। दूसरा हो गया कि रिवर्स क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाए ताकि फिर से हम इंडिजीनियस काउ की तरफ जा सकें। तो हालांकि उनका मतलब जो इनएबिलिटी है, चाहे वो क्रॉस ब्रीड हो, तो उनका जो इनएबिलिटी है कि वो इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर इतनी प्रोडक्टिव नहीं रह पाती है और बहुत महंगी होती है, तो उनको आफ्टर ए टाइम उनको छोड़ दिया जाता है। और इसी तरह जो नॉन डिस्क्रिप्टिव वैरायटी है उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है कि वो तो इतना अच्छा प्रोडक्शन ही नहीं देती है। लेकिन रिसेंटली अभी कुछ रिसर्च ऐसे हुए हैं जिनमें बताया गया है कि जो नॉन डिस्क्रिप्टिव वैरायटी है ना, इनको आप अगर प्रॉपर, अगर इन पे कुछ इंटरवेंशंस लगाए जाए, इन पे पूरा अच्छी तरीके से ध्यान रखा जाए, इनको डिफाइन करा जाए, तो इनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सकती है। इंडियन ब्रीड
पर्टिकुलरली इंडिजीनियस जो ब्रीड है उनका एग्जॉटिक वन के ऊपर बहुत अच्छा एडवांटेज ये है कि वो A2 क्वालिटी ऑफ द मिल्क देता है। अच्छा, आप जो मिल्क पाउच लेके आते हो अगर बाहर से लाते हो तो उसमें देखना, उसमें A2 क्वालिटी लिखा होता होगा। ये A2 क्वालिटी एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसमें A1 भी आता है, विच इज़ जो बोलते हैं कि वो कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो A2 क्वालिटी है जो इंडिजीनियस ब्रीड में ऑटोमेटिकली होता है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल टू ह्यूमन। इसके साथ ही जो इंडिजीनियस काउस होती हैं उनमें और भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं उनके दूध में, जैसे कि लाइलोलिक एसिड हो गया, ओमेगा 3 फैटी एसिड हो गया, सेरेब्रोसाइड हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो हमारी जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है उसको फुलफिल करते हैं, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी नहीं होने देते, हमको फूड डाइवर्सिटी प्रोवाइड करते हैं ये। इसके अलावा जो कैटल है वो एज ए ड्राफ्ट एनिमल भी यूज़ करे जाते हैं, जिसका भी नंबर बहुत कम हो गया है क्योंकि मैकेनाइजेशन की वजह से। तो एक बार अब हम क्या कर सकते हैं कि कुछ ऐसे एग्रीकल्चर टूल्स या कुछ ऐसे एग्रीकल्चर वर्क डिज़ाइन कर सकते हैं जिनके अंदर इन कैटल का एज अ ड्राफ्ट एनिमल यूज़ करा जा सकता है। इसके साथ ही हम मतलब अगर हम ड्राफ्ट एनिमल को फार्मिंग में कुछ तरीके से यूज़ ले तो वहाँ पे हमारा पेट्रोकेमिकल भी कम यूज़ होगा और एनवायरमेंट भी सेव होगा। इसके साथ ही इंडिजीनियस कैटल वेराइटी जो है इसके एग्जॉटिक ब्रीड के ऊपर और भी एडवांटेज होते हैं, जैसे कि जो इंडिजीनियस कैटल है उनका जो डंग होता है काउडंग, वो काउडंग यूज़फुल होता है बैक्टीरिया, इट हैज़ लॉट ऑफ काउडंग के अंदर बहुत सारे यूज़फुल बैक्टीरियाज होते हैं जो डिजीजेस को प्रिवेंट करते हैं, पैथोजेनिक स्ट्रेन को, विच इज़ कॉज बाय पैथोजेनिक स्ट्रेन, और जो एज अ नेचुरल प्यूरीफायर भी वर्क करते हैं। काउडंग जो है ये रिच इन माइक्रोफ्लोरा होता है जो प्रोबायोटिक्स के लिए भी यूज़ होता है। इसके साथ ही काव यूरिन, जिसको हम गोमूत्र बोलते हैं इंडिजीनियस का, वो आपको पता ही है बाबा रामदेव ने बहुत चलाया है। इसके साथ ही ये बायो पेस्टिसाइड की तरह भी यूज़ होता है, ये सॉइल रिजनोवेटर और एनहांसर की यील्ड एनहांसर की तरह भी यूज़ होता है। इसीलिए बोलते हैं आजकल जब हम बात करते हैं ना इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की, अभी कुछ ही दिन पहले हमने एक आंसर राइटिंग में क्वेश्चन करा था, या हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल पेस्टिसाइड्स ना लेके यही जो हमारे घर में लाइव स्टॉक होता है उनके ही एनिमल वेस्ट को यूज़ करा जाता है, चाहे वो काउ डंग हो, चाहे वो काउ यूरिन हो, क्योंकि ये आपकी फार्मिंग के लिए बेस्ट रहता है। आप देख लो उसमें आप इसे एज ए बायो पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हो, यील्ड इन्हांसर यूज़ कर सकते हो, सॉइल रिजनोवेटर यूज़ कर सकते हो। इसके साथ ही एक डिजीज़ को क्यूरिंग करता है, जय बाबा रामदेव की उन्होंने सबको बता दिया है इसको, मॉस्किटोज़ को कंट्रोल करने में काम आता है, डिसइन्फेक्शन को एंड फिश फूड के लिए भी काम आता है। काउडंग जो है आप उससे एनर्जी प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, हम बायोगैस का कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी एक बार पढ़ा हुआ है, अगर नहीं तो आप एक बार गूगल सर्च करके स्टडी आई क्यू से देख लेना, आपको मिल जाएगा फर्मेंटेशन एंड गैसिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू। काउडंग ऐश जो है उसको आप ऐसे ही जो हमारी कन्वेंशनल मटीरियल कंस्ट्रक्शन के अंदर काम आते हैं उनमें उसको रिप्लेस कर सकते हो, ऐसे एब्जॉर्बेंट भी काम आता है ये। इसके अलावा हम जो पंचगव्य भी बनाते हैं जिसके अंदर काउ मिल्क, दही, घी, काउ यूरिन और काउ डंग ये सब मिला के उसको पिया जाता है ताकि इम्यूनिटी भी इंक्रीज होती है। नाउ आई डोंट नो हाउ साइंटिफिकली ट्रू दैट इज, बट आई हैव हर्ड, आई हैव रेड इट, बट आई हैव नेवर हर्ड समबडी टॉकिंग अबाउट इट। तो ये कुछ बात है कि स्ट्रे कैटल का इशू क्या है, क्यों इशू बन रहा है, कौन कौन सी ब्रीड है, क्या क्या उस ब्रीड के प्लसेस एंड माइनसेस हैं, और कैसे हम स्ट्रे कैटल जो है उनके नंबर को रिड्यूस कर सकते हैं, साथ ही में इंडिजीनियस ब्रीड का एक्सोटिक ब्रीड के ऊपर क्या एडवांटेज है, ये सारी बातें हमने करी है आज। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, एंड दिस इज इट। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_buddha पे सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।